ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। हेलियोस म्युच्युअल फंडने हेलियोस बॅलन्स ॲडव्हान्टेज फंड हा ओपन एडेड डायनामिक असेट ॲलोकेशन फंड सुरू करण्याची घोषणा केली आहे। NFO 11 मार्च 2024 रोजी सुरू झालं असून 20 मार्च 2024 रोजी समाप्त होईल। या फंडचे उद्दिष्ट आहे की डायनामिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाद्वारे नकारात्मक बाजू मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करताना इक्विटीच्या संभाव्य चढ उतारीचे भांडवल करणे, हे इक्विटी आणि इक्विटी संदर्भित इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये निवेश करून कर्ज, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि डेरिव्हेटिव्हचा सक्रिय वापर करून केलं जाईल। इक्विटी पोर्टफोलिओ हेलियोसच्या एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग दृष्टिकोनाने तयार केलं जाईल। हे 8 मौखिक वर्गीकरण कारकांवर आधारित आहे, ज्यांनी पुनरावलोकन केल्यावर सिद्ध झालेलं आहे की खराब कामगिरी करणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी, विजेत्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि सतत उत्कृष्टतेची रचना करण्यात प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे। हेलियोस म्युच्युअल फंड हम अपना सेकेंड इक्विटी प्रोडक्ट बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च कर रहे हैं। ये हर किस्म के हर इन्वेस्टर्स रिटेल HNI सारे इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट। और इंडस्ट्री में हेलियोस म्युचुअल फंड हम एक इक्विटी ओरिएंटेड थॉट के साथ में आए हैं कि हमें इक्विटी साइड में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ज़्यादातर करके। और अभी हम 8 बाज़ारों में एक्टिव हैं, हमने टॉप 8 सिटीज़ में हम एक्टिव हैं। You want to cut and start again? हम अभी टॉप 8 सिटीज़ में, और हमारा टारगेट है कि हम टॉप 30 सिटीज़ कैटर करेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन के उद्देश्य से हमने म्यूचुअल फंड का बिजनेस लॉन्च किया है। हेलियोस कैपिटल जो हमारा पेरेंट है वो पिछले 19 सालों से एज ए सिंगापुर बेस्ड एंटिटी एक हेज फंड चलाता है। और हमने इंडिया में अपनी शुरुआत 2020 में अपने खुद लाइसेंस PMS लाइसेंस के साथ में करा, और फिर हमने AIF और अब म्यूचुअल फंड बिजनेस में हम आए हैं। इसके अलावा हमारा फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट है अवेलेबल बाज़ार में, जो डिफरेंट मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करता है, और ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है। आने वाले टाइम में हम और जो अच्छे इक्विटी के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी या फिर और जैसे बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का थॉट रखते हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे प्रोडक्ट्स आपको हमारे हाउस से देखने मिलेंगे। सो NFO क्लोजिंग डेट और रीओपन कब होगा? सो NFO ऑलरेडी ओपनड है, 11th को ओपन हुआ है और 20th को ये क्लोज होगा। रीओपन होगा 27th से हम टारगेट कर रहे हैं कि 27th मार्च को हम इसको रीओपन करें।